पुलिस कंट्रोल रूम में जिला के सभी थाना और चौकी प्रभारियों की मीटिंग भी लगी। इस दौरान एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, मऊगंज एडिशनल एसपी के साथ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन मौजूद रहे। विगत दिनों पुलिस के द्वारा वारंटियों की धरपकड़ अभियान को अच्छी सफलता मिली थी, जिसका श्रेय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को देते हुए कहा कि आगे की कार्य योजना बनाई जा रही है। पुलिस अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जिनके द्वारा शासकीय जमीनों पर कब्जा किया गया है या कई अपराध लंबित हैं। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि राजस्व विभाग के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और भू माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं आयोजित बैठकर और आगे की कार्य योजना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या कहा। जैसा कि आपने देखा, कल हमारे रीवा पुलिस टीम ने काफी अच्छा काम किया है। लगातार इन लोगों ने होमवर्क किया और सुबह से 4 बजे से इनके पूरी टीम के लोग दौड़ते रहे, मेहनत करते रहे। इसका परिणाम ये रहा कि हमने दिन भर में 200 वारंटी एक दिन के अंदर गिरफ्तार किए हैं। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया है, अच्छा मैसेज जा रहा है। अब हमारा टारगेट है कि ऐसे जो भी अन्य अपराधी हैं जिनके कारण ऐसा लगता है कि क्षेत्र में कोई भी दहशत है या कोई समस्या है, उनके विरुद्ध और कठोर कार्रवाई की जाए। उनके पास अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने कब्जा की है, कोई ऐसी जगहों पर उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो उसकी चर्चा करके जिला प्रशासन के सहयोग से उनके विरोध में भी हम लोग अन्य कार्रवाई भी प्रस्तावित कर घरों को नष्ट नाबूद किया जाएगा अपराधियों के। पहले हम चिन्हित कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे जिनके ऊपर कई अपराध दर्ज हैं, उसके पश्चात हम जिला प्रशासन के साथ बैठकर संबंधित SDM तहसीलदार साहब उसका चार्ट निकालेंगे, पूरा होमवर्क करेंगे, उसके पश्चात ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चौकी प्रभारियों को भी बुलाया गया था, ऑल चौकी प्रभारियों को। चौकी प्रभारी आज इसलिए आए थे कि उनके क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा कर ली जाए और उनके यहाँ जो भी फरार लोग हैं जिन पर इनाम घोषित है, जिनको पकड़ने के लिए अन्य वाहन की आवश्यकता है, जिनको और फोर्स चाहिए, उन पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था।